ले जन्म मोहे बिटिया ही की जो। ये देखो यहाँ पे तो एरोप्लेन खड़े हुए हैं, ये लोग पैन पूछते हैं यहाँ पे मिलते नहीं मिलते। भाई मजा आ गया, ट्रेन इज वर्किंग नॉर्मल। बेलीमेंट तो भाई हम जा रहे हैं स्लाई को वापस सड़क के रास्ते। व्हाट्स अप गाइस, आई एम सिद्धांत, यू आर वाचिंग सिद्धांत इंडिया। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। भाई आज हम जा रहे हैं चार काउंटी, जो मैंने कल वाले ब्लॉग में बताया था, लॉन्ग फॉर ड्रमर बॉयल और एक और है। तो हम चार काउंटी आज आप लोगों को दिखाएंगे। और भाई ये देखो सुबह निकले, बढ़िया एकदम बढ़िया आउटफिट पहना मैंने, और जैसे ही निकले धूप हो रखी थी और बाहर आते ही बारिश हवा हो गई और दिखा रहा है रेन भी है, पूरा आउटफिट चेंज करना पड़ गया। भाई आज लेट नहीं हुआ, आज तो रास्ते में रुक के पराठा भी खा लिया और ये आ गया चार्जर। ये घर पे रह रहा है क्योंकि इसका ऑफिस है ना, सबको चार्जर देने। बहुत मेहनत कर रहा है भाई, ये डबल पैसे छाप रहा है, डबल ट्रिपल छाप रहा है। भाई ये चार्जर ले आया, जा रहे अब। ओके बाय। जिस काम ले आया चार्जर, like a magnet, lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you... भाई हम ड्रमर्ड पहुंच गए। ये देखो यहाँ पे हमें जाने की इच्छा है और पर हम जाएंगे यहाँ पे ही, देखते हैं टाइम हुआ तो उधर भी जाएंगे। यार बाल खराब हो रखे, लोल हो गया लक्षित की वजह से, दूसरा वो बात नहीं बताएंगे, छोड़ो। तो अभी हम जा रहे हैं भाई यहाँ पे। अच्छा बता देता हूँ, पता है क्या हुआ, मैं जैसे गुस्सा बाथरूम में लक्षित बैठा था, लॉक नहीं करके बैठा हुआ था और मेरी कॉम अंदर पड़ी थी, तो मैं फटाफट आ गया, फिर हो नहीं पाए बाल सही। तो भाई अभी यहाँ पे आए ड्रमर्ड, ये हमारी पहली काउंटी, फिर इसके बाद हम जाएंगे लॉन्गफोर्ड। तो अभी यहाँ पे घूमते हैं, यहाँ पे एक लोको शेड है, मतलब मैं रेवाड़ी से हूँ हरियाणा में, तो मतलब वहाँ पे भी लोको शेड है, मैं वहाँ की आज तक नहीं है, यहाँ पे ड्रमर्ड में घूमते आया हूँ। लोको शेड मतलब लोको शेड उसे कहते नहीं है शायद, वो वहाँ वाली का नाम है। यहाँ पे मतलब स्टीम इंजन वो सब पुराने इंजन होते हैं वो है यहाँ पे। भाई ये तो बाहर निकलते थे, यहाँ स्टेशन है और ये रहा वो, यहाँ पे इंजन खड़े हैं पुराने, पता नहीं ऑनलाइन दिखा रहे टेम्परेरी क्लोज्ड। क्लोज ना हो यार, हम यहाँ पे उतरे हैं यार, नेक्स्ट ट्रेन 2 घंटे बाद है, 2 घंटे यहाँ पे देखो भाई ऐसे से इंजन है पीछे, और देखते हैं कुछ तो होगा खुला यार। ये देखो भाई ऐसी ट्रेन होती थी पहले यहाँ पे, शायद बस जैसी बनी हुई है अंदर से। भाई यहाँ तो ट्रेन क्या है, देखो यहाँ पे तो एरोप्लेन खड़े हुए है, बसेस खड़ी हुई है भाई पुरानी पुरानी, ये देखो एक ये खड़ा, एक ये खड़ा, एक ये खड़ा, ये बस खड़ी पुरानी भी खड़ी हुई है ना, कोई पुराना इंजन है। भाई ये देखो ये एक एंटीक चीज़ मिली जो मूवी वूवी में देखते हैं, टेलीफोन बूथ। भाई ये देखो यहाँ पे भी बहुत अच्छी काउंटी है, अच्छे से घर है, और ये देखो इसने टिकट गिरा दी लखन, देखो ओए टिकट गिर गई, ढूंढ रही है इतनी देर तक, इसको मिल नहीं रही कहाँ गिर गई, पुरानी हो कोई हो, ऐसे गन नहीं मचाना। देखो हाँ नहीं मचाते हम, कोई भी नहीं मचाते। बहुत ही अच्छी सी काउंटी है यार, यहाँ से डबलिन से मतलब 2 घंटे दूर है, और भाई साहब बहुत ही ब्यूटीफुल काउंटी है, पीसफुल, मतलब यहाँ से 2 घंटे लगेंगे ट्रेन पे आपको सिटी सेंटर तक, और बहुत ही पीसफुल है। ये देखो भाई फाउंटेन आ गया एक अभी, ये देखो मस्त है, ऐसे मैं चाहता हूँ एक मेरे घर हो उसमें ऐसे घुसते ही फाउंटेन हो ऐसा सा। अब एक काउंटी का ज़्यादा नहीं दिखाएंगे वरना फिर यहीं पे हो जाएगा 15 मिनट का ब्लॉग। तो भाई हम जा रहे हैं स्लाई को वापस सड़क के रास्ते, 73 किलोमीटर है, तो मतलब हमारा बेलीमोंट मान लो 20 किलोमीटर, और पहले 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर होगा ये चलेगी पैदल 50 किलोमीटर। बूथ ही देखो इसकी, मैं तो चली हूँ बहुत बार। मैं 100 किलोमीटर अब बोलो क्या, एक दिन 100 किलोमीटर भी चली थी, 100 किलोमीटर साइकिल से बस चली थी, 100 किलोमीटर साइकिल से सिर्फ चली थी, साइकिल से साइकिल से 100 किलोमीटर पता कितना होता है, बकवास फिकवा लो बस कितनी भी इससे यार। अब मैं बस मैं लपेट रहा हूँ, लपेट रहा हूँ। पर्सन हु हैड दिस यूट्यूब वीडियोस और व्लॉगिंग स्टफ एट दैट टाइम, ये 2 साल पुरानी बात है। कुछ भी बकवास करनी है भाई। देखो ये है प्रॉपर गांव वाले घर, यहाँ पे एक वो भी रखा है, पता नहीं कुछ कुछ तो होता है यार, वो ऐसे चारा डालते हैं वैसे कटता है वो भी रखा हुआ, इनके प्रॉपर गांव वाले घर है ये। किसी दिन मार पिटवाएगी भाई ये लड़की, कहीं भी चालू हो जाती है उनके घर में। मैं तो आप लोगों को ऐसे दिखाते हैं जाके उनके कैमरा दिखा के गेट पे खड़े होकर जूम करके वीडियो बना रही है, ऐसे ही किसी के घर पे ये पिटवाएगी किसी दिन, क्या तमीज है ये, इज दिस एथिक्स, कॉन्सेंट। तो भाई अभी हम लॉन्गफोर्ड उतर चुके हैं, देखो लॉन्गफोर्ड थोड़ी बड़ी सिटी है एज कम्पेयर टू बेलीमोंट और वहाँ सबसे, तो अभी यहाँ पे देखते हैं एक्सप्लोर करते हैं क्या है यहाँ पे। ये तो उतरते ही बोली कि लिडिल उस तरफ, कह दो झूठ है, कह दो कह दो। भाई ये देखना लड़कियों का कितना सही है, अब अंदर क्यों कर दिया, ये देखो भाई 7 यूरो का ये भी और ये भी, नाइट सूट घर पे बना लो बढ़िया,
हमारा लड़कों का कुछ मिलता ही नहीं है भाई, घूम घूम के थक जाओ, कलर भी नहीं मिलते। अपना क्या बोल रहे थे, अगले जन्म? मैं कह रहा था अगले जन्म मोहे बिटिया की जो कपड़े की चिंता ही नहीं भाई, इतने कपड़े ले लो कहीं से भी। ये भाई हमने यहाँ से पिचकारी लिया और ये कपड़े लिया, पिचकारी दिखाना। ये देखो इसने पैसे छुपा दिए, पैसे दिखाओ। 1 euro 30 cents, 100 rupees की, 100 rupees की तो ठीक है यार, इतनी सस्ती नहीं है भाई। ऐसा सा फोन ही मेरे पास है। और अभी हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं कहीं पे खाने, और ये देख रही है यहाँ पे खाने का सबसे अच्छा कौन सा है। बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। हाँ तो बाद में सुनना ही पड़ता है, अगर गलत रेस्टोरेंट बता दो तो डिफिकल्ट तो है। तो भाई फाइनली एक जगह इसने देख ली, ये एस्काबार, ये यहाँ पे है। तो इधर अभी हम जा रहे हैं अंदर, देखते हैं कुछ मिलता है खाने का। तो भाई हम आ चुके हैं फाइनली रेस्टोरेंट में, हमने ऑर्डर करा है कुछ लज़ानिया। थैंक यू, लज़ानिया ऑर्डर करा है, अभी लज़ानिया आएगा। और इसने करा है, तुमने क्या ऑर्डर करा है? चिकन नूडल्स। मेरे बाल गंदे लग रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ मेरे बाल गंदे लग रहे हैं, मेरा ऑयल नहीं लगाया लक्षित की वजह से जो मैंने बताया। भाई ये मेरा आ चुका है, मैंने मंगाया लज़ानिया, फ्राइज और ये सब चीज़ें वेज, और इसने मंगाया चिकन नूडल्स। ये लोग पैन पूछते हैं यहाँ पे, मिलते नहीं मिलते। देखो 10 euro 13 euro ऐसे मिल जाते हैं यहाँ पे पैन, ये देखो। तो भाई यहाँ पे सबसे लॉन्गफोर्ड में ये फेमस है चर्च, यहाँ पे एक तो अभी यहाँ पे आया, ऑनलाइन भी देखा था लॉन्गफोर्ड में क्या है सबसे फेमस, ये चर्च है। और यहाँ पे पीछे पार्क है बहुत अच्छा, वहाँ पे जाते हैं, आइसक्रीम लाई है वो खाएंगे। अब बहुत खाते हैं भाई, अब कैसी है? बहुत ही मस्त। अच्छे एक्सप्रेशन नहीं देने आते इनको, कैसे कर रहे थे अक्षित के बर्थडे वाला व्लॉग देख रहे ना, पता चल जाएगा ये एक्सप्रेशन। भाई गाड़ी तो ली नहीं, पर ये बोट मिल रही है यहाँ पे, इस पे भी लगा हुआ है पेपर सेल का। और भाई सेल पे ये इतनी महंगी बेच रहा है, रिड्यूस टू लिखा हुआ है प्राइस, तो मेरे को लगा सस्ती होगी, मेरे को नहीं पता मतलब बोट से ये फेरीज ये सब कितने की आती है। बट मैंने फर्स्ट टाइम इसका प्राइस चेक करा, 95,000 euros। ये पुरानी सी है तो थोड़ी बड़ी, पर इतनी पुरानी एंटीक है। इसमें वो वुडन व्हील होते हैं ना जो पुराने ज़माने में, वो व्हील लगे हुए हैं, और इतनी महंगी है भाई। अभी हम यहाँ पे स्टेशन पे वेट कर रहे हैं ट्रेन का हमारी इधर लॉन्गफोर्ड में, तो हम और काउंटीज तो आज नहीं जा पाए। बट अभी एक न्यूज़ पता चली है कि हमारी ट्रेन नहीं जाएगी बेलीमोड तक, अभी इसने ऑनलाइन देखा है तो लोल हो गया भाई, टेंशन हो गई है। बेलीमोड तक ट्रेन नहीं जाएगी ये बोल रहे हैं, कुछ रास्ते में सर्विस चल रही है तो हमारी ट्रेन जाएगी एक नेक्स्ट स्टेशन है वहीं तक ही बस, फिर बीच में 2-3 स्टेशन काम है, फिर वहाँ से बस से जाना पड़ेगा, और हमारे हम जहाँ रहते हैं उससे एक स्टेशन पहले तक, वहाँ से फिर वापस ट्रेन लेनी पड़ेगी और फिर वो हमें छोड़ेगी। कैसा लग रहा है सड़क पे क्यों बैठ गई ऐसी, ये बात सुन के सदमा लग गया क्या? सदमा लग गया? अरे उठ गई, बताओ कैसा लग रहा है इतनी अच्छी न्यूज़ सुन के, और ऊपर से बारिश भी हो रही है देखो यार। हाँ, देखो गाइस देखो, दिख रही है बारिश? दिख नहीं रही, बताओ। देखो अपने कहीं नहीं भाई, घर में बैठा हूँ, दिमाग खराब हो रखा है भाई। लक्षित लॉल हो गया हमारे साथ, हम नहीं आ पा रहे अब। कहाँ पहुँच गए तुम लोग? हम कैसे आएंगे, तो हमें लेने तो आ जा। भाई यहाँ पे डार्ट आ चुकी है जो डबलिन में चलती है, वो हमें लेने आई है, और अभी नेक्स्ट स्टेशन पे जाके चेंज करेंगे बस, और फिर 2 स्टेशन बाद वापस ट्रेन। भाई ये यहाँ पे उतर गए और यहाँ पे बसेस खड़ी है, देखो भाई बस में बैठ चुके हैं, अब जाएंगे नेक्स्ट स्टेशन पे, वहाँ से वापस ट्रेन। भाई हमारे यहाँ पे एयर होस्टेस भी है, कॉफ़ी वॉफ़ी मंगानी हो बस में तो ये देखो कॉफ़ी भी मंगा सकते हैं। भाई फाइनली हमने बॉयल भी घूम ली, आज आपको 4 काउंटी बोली थी, फाइनली आ गए हम बॉयल, अब यहाँ से वापस पकड़ेंगे ट्रेन और अपने घर बेलीमोड। भाई इसको लग रहा है डर की बेलीमोड रुकेगी कि नहीं रुकेगी, यूजुअली अनाउंसमेंट होते हैं, आज हो नहीं रही इसलिए, और टाइम भी बहुत देर हो गया, पर अभी आने वाला है बेलीमोड में रुकेगा। जैसे कह रही है मेरे से ज्यादा डर लग रहा है, पर ये अपने मेरे को तो आएगा नहीं ना, मेरे को मैं जा ही नहीं रहा, सामने टीटी बैठे कह रही है जाके पूछा बेलीमोड रोकोगे ना, रोकोगे ना, और यहाँ पे लगे पड़े हैं देखो, बस कोई काम था नहीं। इसको बोला स्टेशन चला गया, गई भागी भागी टीटी से पूछ रहे कि बेलीमोड रुकेगी रुकेगी, कैसे गई थी भागी भागी, कहती रुकेगी वहाँ रुकेगी भागी भागी, वो कह रहा आगे सर्विस नॉर्मल है, कहती बेलीमोड बेलीमोड, कहता है आगे सर्विस नॉर्मल, कहती बेलीमोड बेलीमोड।
कैसे कर रही थी भाई, मजा आ गया। ट्रेन इज वर्किंग नॉर्मल, बेलीमट 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 करीना वो मुझे बोल रहे नॉर्मल, मैंने बोला नॉर्मल वॉर्मल मुझे नहीं पता, लेकिन बेलीमट रुकवा दो, अभी ज्यादा दूर आए नहीं है। तो मैंने 2-3 बार बेलीमट बोला तो कंफर्म कि उसको समझ आ गया कि मैं क्या बोल रही हूँ। बंदा नहीं मानता भाई, ऑफिस के काम ही कर रहा है, ऑफिस के काम नहीं कर रहा, चल कर रहा हूँ। क्या कर रहा है? ट्रेन देख रहा है। हम इसी ट्रेन में ही तो होके आए, अभी टूर पे गए थे हम आज, पता नहीं है क्या तुम लोग पता नहीं कहाँ से कहाँ घूम रहे थे। फोन करो, कभी इधर जा रहे हो कभी उधर जा रहे हो।